हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज कोई व्लॉग नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज बस एक टॉपिक है जो जिस पे बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े मसीहा बैठे हुए हैं बोलने के लिए, लेकिन शायद कैरी मिनाटी का नाम सुन के किसी का मुंह नहीं खुला। लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले कैरी मिनाटी ने एक ट्वीट किया जिस पे उसने बोला, जिम जाने वालों का यही है, ज़िंदगी में चाहे लंड कुछ उखाड़ा हो लेकिन छाती हमेशा चौड़ी रहती है। आई नो कि कैरी मिनाटी ने तरुण गिल को बोला, लेकिन जिम नहीं बोलना था, ये उसका पर्सनल मुद्दा नहीं, ये पूरी फिटनेस इंडस्ट्री का मुद्दा है। और जितने बड़े बड़े फिटनेस इंडस्ट्री के मसीहा बनते हैं, जो भी मसीहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी पूरे एक प्लेटफॉर्म पे आके कुछ ना कुछ स्टैंड ले और कैरी मिनाटी को माफ़ी के लिए बोले, जिसमें है मिस्टर साहिल खान, इंडियाज़ फिटनेस यूथ आइकन, मनोज पाटिल आईएफबीवी प्रो, भरत सिंह वालिया, सुनीत यादव सुहास कामकार, सिद्धांत जायसवाल, यतिंदर सिंह, जुनेद कलीवाला, राजवीर फिटनेस सीरीज, इंडियन रॉक, इमरान खान, अफरोज खान आईएफबीवी प्रो, भुवन चौहान, राजा अजीत, संग्राम चौगले। ठीक है, आप लोग इसको बताओ कि फिटनेस इंडस्ट्री में हिंदुस्तान में कितने बड़े बड़े एथलीट है जिसने हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है। के लवड़ू चंद, सुन ले, पहले तू खुद लवड़े चेस्ट बना अपनी और एक बार जिम जा के बॉडी बना और वैसी छाती चौड़ी निकाल करके घूम। सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के बातें चोतने से कुछ नहीं होता, लवड़े के बाल पहले कर, समझा क्या? दिमाग की माँ मत चोत। आज वो आप लोगों को बता रहा है कि इन्होंने जिंदगी में झाट कुछ नहीं उखाड़े, तो जवाब दो, ठीक है? और नहीं होता है तो उसके सामने सब सरेंडर कर दो और लड़ना नहीं फिर जिंदगी में कभी, ठीक है? जय हिंद।